वालेकुम। मैं तो कैसे आप लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं अभी उठूँ तो मैंने ये सोचा कि आज व्लॉग ही बना ले। तो सुबह सुबह का टाइम है, देख सकते हैं आप लोग, सुबह सुबह का टाइम है। तो सुबह सुबह के टाइम में मैं अभी उठूँ तो मैंने सोचा कि व्लॉग बना लेते, क्योंकि गर्मी भी, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। जब हमारे कल बहुत गर्मी हुई है, अभी भी सुबह सुबह का टाइम है, गर्मी शदीद गर्मी है, सही धूप निकली हुई है। तो मैं अभी उठूँ तो मैं क्या सोच रहा था, छत पे जाऊँ, क्योंकि हमने बताई भी थी मुर्गी, ठीक है, चूज़ों के लिए। तो अभी कुछ दिन गुजरे हैं, हमने देखा है कि चूज़े दिन निकाले, तो मैंने सोचा है कि चलो आपसे भी शेयर कर दूँ और देखूँ कि चूज़े निकाले हैं या नहीं। तो अभी मैं चलता हूँ छत पे तो देखता हूँ कि मुर्गी ने चूज़े निकाले हैं या नहीं, क्योंकि पापा ने वैसे ऊपर पौधे शौधे लगाए हुए थे ना, तो वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने पौधे शौधे मतलब सब्जियाँ वगैरह लगाई थी ऊपर, तो वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। चलते चलते हैं। तो मैं छत पे पहुंच चुका हूँ, तो पहले तो आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ पौधे जो लगाए हैं। बाकी यहाँ पे पौधे लगाए हैं ये सारे, अभी पापा आए ना फिर बताते हैं कौन से हैं पौधे। ये मेरे हाथ में ये माल्टे का लग रहा है मुझे, और ये देख सकते हैं, और ये पौधे लगाए हैं ये सारे। वहाँ पे भी अभी पौधे लगने हैं, क्योंकि वो सामने पड़ी है, सारा तैयार हुआ है, ये पौधे लगा रहे हैं। और ये देख सकते हैं, ये एलोवेरा लगाया हुआ है, और इधर भी मैदान में अभी पौधे से दिन छोटा सा पौधा निकला है, देख सकते हैं। और अभी ये भी पौधे लगे हुए हैं, ये भी है, और यहाँ पे धनिया वगैरह लगा हुआ है, और ये सारे पौधे लगे हुए हैं। और ये देखें, ये भी हमने पौधे लगाए हैं यहाँ पे, अभी लगाने हैं पौधे यहाँ पे। उस साइड पे भी लगाए हैं, ये देखें साइड पर क्यारियाँ वगैरह, क्यारियाँ टाइप बनाई है हमने, ठीक है। ये देखें क्यारी टाइप बनाई है हमने साइड पर भी, और ये देखें ये सारी प्यारी टाइप बनाई है। और ये पौधे इधर भी लगाए हुए हैं, और अभी ये सारे पौधे लगाए हुए हैं इधर, ठीक है, उधर भी लगे हुए हैं। और ये अभी तैयार हो गए, और ये अभी इसमें बनाने हैं, मतलब लगाने हैं पौधे वगैरह, अभी मिट्टी शिट्टी डाल के फिर इसमें अभी आलिया डाली है, ठीक है, आलसी से डाल के बाद मिट्टी डालनी है इसमें। और ये आगे भी देख सकते हैं ये बनाए हुए हैं, और इन पौधे भी लगाएंगे। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं कौन से पौधे लगाए हम यहाँ पे, ठीक है, बाकी वहाँ पे पौधे लगाए हुए हैं, और जहाँ जहाँ जगह बच्ची भी आप लोग बताएं कौन से पौधे लगाएं। बाकी जो है अभी मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ मुर्गी के पिंजरे में, पौधों के पिंजरे में, क्योंकि यहाँ पे तो मुर्गियाँ थी ना, तो इस वजह से क्या नाम ने उधर शिफ्ट कर दी थी मुर्गी, क्योंकि यहाँ पे मुर्गी शुर्गे होते हैं, वो मतलब मारते हैं मुर्गी को, फिर चूजे चूजे क्या क्या नाम ना आ जाते सर, तो इसलिए हमने उधर बंद की थी मुर्गी। तो अभी चलते हैं, देखते हैं मुर्गी ने बच्चे कितने निकाले हैं, तो अभी जल्दी से आपको भी। तो अभी मैं जाता हूँ पिंजरे में, जब पापा ने दाना वगैरह डाल दिया था सारों को, गर्मी देख सकते हैं, सूरज ये सारे पे सूरज है, ठीक है। तो मैं अंदर आ चुका हूँ, तो ये हमने उनसे नहीं दी उन्होंने पौधे को उधर बंद कर दिया, क्योंकि बहुत तंग करती थी, कबूतरों को मारती थी, ठीक है, वो देखे बच्चे वगैरह निकालने में कबूतरों ने, ठीक है। अरे देख सकते हैं बड़े दिन के बाद लोग डाल, और ये डक्स थी, इसको मार मार के डक ने बुरा हाल किया था, वो वाली डक्स ने, वो जैसे उस साइड में, ठीक है, उन्होंने डक ने मार मार के बुरा हाल किया था। तो अभी हमने इधर इसको बंद कर दिया, क्योंकि ये अभी ठीक है, देखे कितनी ठीक हो गई, पहले आपको इसकी हालत दिखा दे, बिल्कुल सहमी हुई थी ऐसे जैसे मर जाती होती, अभी माशाल्लाह से ठीक है। तो अभी हम मुर्गी देखते हैं, इसमें बच्चे निकाले हैं माशाल्लाह से, देखें मुर्गी है पीछे, और माशाल्लाह से एक दो या तीन बच्चे निकाले फिलहाल, तो इसने ये देख सकते हैं दो ये हैं, अभी आ जाओ आगे से दो ये हैं, और अबे वो फंस गई, रुक जा यार, ये फंस निकल गया, शुक्र है मैंने फंस गई। तो ये मुर्गी है, इसने बच्चे निकाले हैं, देख सकते हैं, बच्चे निकाले हैं तीन, तो तीन दिन हो गए, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, पीछे मौसम को ठीक हो गया था, गर्मी गर्मी इतनी नहीं पड़ी, बातचीत करते होती थी, है मौसम ठीक रहा, शाम के टाइम हो जाता है मतलब बादल वगैरह आ जाते हैं बस, फिर भी सुबह के टाइम गर्मी उसी तरह हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो हमारे पैरेट्स से निकाली है, वो देखें ये देखें ये आ गए, ये देखे कितना प्यारा पैरेट है, वो भी इन में से मतलब ये जो सी नहीं है, ये सामने वाली ये वाली डोरी जिसमें तोती बैठी है, इस डोरी में से ये बच्चों निकला, ठीक है, तो दोबारा बन गया तो भाई मैं निकल गया,
तो ये देख सकते हैं, ये सारा भी पानी वगैरह छाटा नहीं, देख सकते ये सारे डक बेकार दाना वगैरह और पानी वगैरह डाल दिया हमने इनको। ओफ बहुत गर्मी है कसम से, मेरा मोबाइल भी हीट अप हो गया बहुत, देख सकते हैं हीट अप, बहुत हीट अप हो गया मोबाइल, तो देख सकते हैं तोता आपको दिखा दिए, ये देख सकते हैं पानी वगैरह पी लिया। सब्सक्राइब किया तुमने यार, इग्नोर कर दिया। तो अभी हमने सोचा है कि यहाँ पे मतलब धूप देख सकते हैं, सूरज सर पे आ जाता है, तो अभी यहाँ पे मतलब सागर कलर का होता है ना तरपाल सा जो भी जिसको कहते हैं, वो कह रहे पापा कह रहे हैं यहाँ से बांध के ना इधर ऊपर से और यहाँ पे ऐसे बांध दे, क्योंकि यहाँ से धूप नहीं पड़ेगी, छाँव हो जाएगी, क्योंकि मुर्गियों की तरफ से छाँव होती है, क्योंकि कबूतरों और दोनों पास का रोला होता है और डक्स का, क्योंकि पैरेट तो वो कोने में आ उनको कोई नहीं, वो अपने ठीक है ठीक है, ये कबूतरों और इनको होता है क्योंकि मुर्गी भी वहाँ पर बिठाई है इस वजह से, तो ये सोच रहे हैं ये डाल लें, तो हमने ये भी लगाए थे, ये पापा ने पहले लगा दिए थे बहुत पहले, मैंने पापा ने लगाया था, अभी अंदर से दिखा था, हमने सफाई वगैरह की है, तो देखिए लकड़ियाँ वगैरह सारा ख़त्म हो गया है, काफ़ी पहले से काफ़ी बेहतर हो गया, क्योंकि पहले जो था ना यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह इतनी पड़ी हुई थी, वो पापा ने सारी मतलब दे दी हैं, फेंक दिया बस, तो मेरा गला वगैरह ख़राब हुआ है, तो मुर्गी ने क्या किया, पानी तो रखा पापा ने, मुर्गी ने पानी गिरा दिया, ये देखें गुड़ पानी इधर, देख सकते हैं ये हम डालेंगे चूज़ों के लिए, और देख सकते हैं ये पापा से पूछ लेते हैं क्योंकि क्यों डालते हैं चूज़ों को, पापा बता दें क्यों डालते हैं वैसे चूज़ों को, ये जब नए चूज़े निकलते हैं तो उनके गले में जो अंडे की गलाजत होती है वो रहती है, तो उसको साफ़ करने के लिए ये डाला जाता है गुड़, तो या शक्कर होती है या गुड़ होता है वो डाला जाता है, ताकि उनके हलक में जो अंडे की गलाजत जो फंसी होती है वो निकल जाए, तो और इससे कुछ अर्सा तक ये इन्हें देते हैं, उससे ये होता है कि बच्चों में साइड इफेक्ट या कोई ऐसी बीमारी शारी नहीं होती, उससे ये बचे रहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं क्या नाम है वैक्सीन ना करो तो कुछ चूजे मर जाते हैं, कुछ भी नहीं, अगर आप एहतियाती तदाबीर करें वैक्सीन की भी ज़रूरत पड़ती, ये आज तक बस पहले दो वक्तों में कौन सी वैक्सीन होती थी, यही चीज़ें होती थी, देखें अभी ये गुड़ को मिक्स कर रहे हैं बीच में, अभी मुर्गियाँ बाहर ले जाती थी चूज़ों को, गोबर वगैरह पड़ा होता था उसमें से कीड़े वगैरह खिलाती थी, जड़ी बूटियाँ होती थी, अब वो मामला आया नहीं, छतों पे घरों लोगों ने रखे हुए हैं, उसमें फिर क्या होता है छतों पे बच्चे इसीलिए मरते हैं जब उन्हें ना कोई घास मिलती है, ना कोई तिनका मिलता है, ना कोई सब्जी का पौधा वगैरह मिलता है, ना कुछ ऐसी चीज़ें गोबर वैसे कीड़े वगैरह मिलते हैं, तो ये चीज़ें कुदरती चीज़ें हैं जो ये खा के इनको कुत मुदाफत बढ़ती है, तो ये मुख्तलिफ सख्त से सख्त हालात का भी मुकाबला करते रहते हैं। अब हमने सोचा कि अगर मुर्गी वो बच्चे निकाल देना प्रॉपर मतलब अपने बच्चे से निकालने निकाल दे, तो फिर हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये पिंजरा रखाना है वो दिखाता हूँ आप देख लें, क्योंकि पिंजरा बहुत बड़ा है, मुर्गी ठीक है इतना पिंजरा ठीक है, चूज़ों के लिए ठीक है, क्योंकि ये देख सकते हैं ना ये पिंजरा अंदर से वहाँ से लेके ये यहाँ तक पिंजरा ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो वहाँ से वहाँ, ये कैमरे में आपको नज़र आओगे छोटा, पर ये अंदाजे से पिंजरा इनके लिए ठीक है, क्योंकि इतना पिंजरा मुर्गी के बेहतर है, मतलब फ्लू वगैरह नहीं, मतलब ऐसे जुकाम हो गया रात को हो गया सुबह, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो देख सकते हैं अभी ये सारे मुर्गियाँ वगैरह मैं आपको खाते दाने वगैरह खा रही हूँ। मुर्गियों ने माशाल्लाह 3 बच्चे निकाले, अभी माशाल्लाह इंशाल्लाह होगा धागा हुआ तो और भी बच्चे निकाल सकती है, जो है अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतने दिन बाद ब्लॉग आ रहा है तो अच्छा सपोर्ट करना इस पर ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ फिर आपसे कल, ओके अल्लाह हाफिज़। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।